ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्ण। जो एकादशी आ रहे हैं वो एकादशी का नाम क्या है, उसमें जनार्दन को युधिष्ठिर महाराज ने पूछे तो, और युधिष्ठिर महाराज को जनार्दन कृष्ण ने बताया जो एकादशी जो आ रहे हैं ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में, वो एकादशी पांडवा निर्जला एकादशी का नाम से पुकारता है। तो ये जो पांडवा निर्जला एकादशी जो है उसके बारे में जब पूछे तब भगवान कृष्ण ने बताया जो वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास इस एकादशी के बारे में जो बताया वो हम आपको अभी बताएंगे। जो वेदव्यास है वो वेद वेदांग और शास्त्र में बहुत पंडित है, प्रसिद्ध है। तो इसके लिए वो एकादशी के बारे में जिस तरह वर्णन किए उस तरह अभी इसका श्रवण कीजिए। तो भीमसेन ने बोला, हे पितामह, हम ये एकादशी व्रत जो है हम पालन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको एक बार खाना खा के रहना भी मुश्किल है दिन भर। तो एकादशी व्रत 24 एकादशी है, ये कैसे हम पालन करें, इसमें से हमको नहीं होगा। तो वेदव्यास ने बताया अंततः दो एकादशी व्रत पालन करना चाहिए। तो दो एकादशी बात का बात छोड़िए, हम तो एक बार भी खाने से भी हम नहीं रह सकते हैं क्योंकि मेरा जो उदर में वो वृक्ष नामक अग्नि प्रज्वलित रहते हैं। तो जब हम ज़्यादा खाते हैं तब हम संतुष्ट रहते हैं। तो इसलिए हमको ये एकादशी का एक एकादशी हम ऐसा बताइए जिससे हम वो पालन करके हमारा सब एकादशी का व्रत का फल मिल सकते हैं। तो उससे व्यासदेव ने बताया, देखो ज्येष्ठ महीना में जो एकादशी शुक्ल पक्ष में आ रहे हैं तो ये एकादशी अगर पालन तुमको निर्जला एकादशी करना चाहिए। आचमन और कुल्ला छोड़कर कोई भी पानी नहीं पीना चाहिए और खाने का बात तो छोड़ो। तो इसके लिए तो भीमसेन बताया ओके हम एक एकादशी व्रत पालन करेंगे जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में एकादशी में। तो एकादशी पालन कैसे किया जाए, वो एकादशी पालन करने से सुबह सूर्योदय से एकादशी से और जो नेक्स्ट डे जो सूर्योदय तक कोई पानी भी नहीं पीना चाहिए, खाने के बाद तो छोड़िए। और जो इसके लिए जो भीमसेन ने एकादशी को पालन किए, और एकादशी पालन का विधान क्या है, विधि क्या है न, जो एकादशी पालन करने से करने का ये ऐसा विधान है जो दिन भर जो शंख चक्र चक्र गदा पद्मधारी जो केशव जी है उनको पूजन करना चाहिए, जैसा धूप दीप और विविध जो पूजा का जो उपकरण है उसमें से केशव जी को पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद उनका जो नेक्स्ट डे जो ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भोजन करने से पहले एक्चुअली क्या करना चाहिए ना, जो रात में भगवत का भागवत पाठ करना चाहिए, भगवान का बारे में श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने से क्या होगा, हमारा जो चित्त है भगवान से लगा रहते हैं। तो और जो नेक्स्ट डे में क्या करना चाहिए, जो भगवान को पूजन करने के बाद जो ब्राह्मण है जितेंद्रिय ब्राह्मण है वो ब्राह्मण को भांति भांति मिठाई और भी जो कुछ भोजन कराना चाहिए। भोजन करने के बाद भोजन दक्षिणा का स्वरूप वो जो छत्र पादुका दान करना चाहिए। और एकादशी का नेक्स्ट डे जो है गोदान भी करने का मतलब विधान है और स्वर्णदान भी किया जा सकते हैं। उसमें से क्या होगा, नो
जो एकादशी में जो 100 पीढ़ियाँ पहले और 100 पीढ़ियाँ बाद में कोई फैमिली में वो वैकुंठ लोक में जा सकते हैं, इसी तरह ये एकादशी का फल माना जाता है। और एकादशी में ऐसा भी बताया गया है जो एकादशी में कृष्ण भगवान रुक्मिणी जी को भी हरण किए थे, इसलिए रुक्मिणी हरण एकादशी भी इसको बताते हैं। तो इसके लिए जो कुंती और जो पंचपांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये साल भर जो चौबीसा एकादशी होते हैं सब एकादशी को पालन करते रहते हैं। लेकिन भीमसेन जो है वो एक ही एकादशी जो शुक्ल पक्ष में ज्येष्ठ एकादशी में आते हैं, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष का जो एकादशी आते हैं उस एकादशी को पालन किए। इसके लिए इसको और वो इवन पानी भी नहीं पिए, इसलिए इसको पांडवा निर्जला एकादशी कहते हैं। तो हमारा इस्कॉन मंदिर में ये एकादशी में क्या होता है, कीर्तन होते हैं। आप हर हर जो हमारा इस्कॉन मंदिर, आप कोई भी आप जगह में जाएंगे, मायापुरी हो कि वृंदावन हो, हमारा सिलीगुड़ी में भी ये जो भक्तों लोग क्या है कीर्तन करते रहते हैं एकादशी का तिथि में। तो आप लोग भी जो एकादशी तिथि में कीर्तन करना चाहिए, भगवान का नाम से कीर्तन करना चाहिए। भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र आप अगर कीर्तन करेंगे और भगवान का जो भक्तों का साथ संग करेंगे, भागवत प्रवचन सुनेंगे, तो अंतिम में जो जम दूध है आपको पास नहीं आएंगे, सौम्य दर्शन जो विष्णु दूध है वो सौम्य दर्शन विष्णु दूध आपको वैकुंठ लोक में लेके जा सकते हैं, लेके जाएंगे। तो इसलिए जो आप लोग आइए, पांडव निर्जला एकादशी का व्रत पालन कीजिए। और जो 2400 एकादशी का कोई भी अगर व्रत कोई कुछ टूट गए, ठीक से पालन नहीं हुआ, लेकिन ये पांडव निर्जला एकादशी ठीक ढंग से अगर पालन करे तो निश्चित रूप से आपका भगवान को प्रसन्न करके भगवत धाम में जा सकता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।